बेटा, कुछ पता चला अनिया का? नहीं खाला, कुछ भी पता नहीं चला। आसपास की सारी जगह पर देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा तो नहीं कि तेरी बच्ची के साथ कोई हादसा हो गया? अरे गुलनाज, खैर का कलमा मुंह से निकालो। अम्मा, मुझे अजीब अजीब से वह मारे। आप लोगों ने करीब के हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में चेक किया? तुम लोगों का बस चले तो मेरी बच्ची को मुर्दा खाने में पहुंचा दो। ये सब तुम्हारे खानदान की वजह से मेरी बच्ची आज इस हाल को पहुंची है। अम्मा, भाभी ने तो बस ऐसी एक बात की है। तुम तो रह नहीं दो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। आज कितनी बातें सुनाई है तुमने उसको, देख लिया इसका नतीजा। देखो, रूसा ठीक कह रही है, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चेक कर ले तो कोई हर्ज की बात नहीं है। सही बात है। वैसे मेरा ख्याल है कि मैं और शामिर देख कर आती हूँ। नहीं, अल्लाह सब खैर करेगा, परेशान मत हो। अब मेरे ख्याल से हमें थाने में भी रिपोर्ट लिखवा लेनी चाहिए। हाँ, जरूर करा देना थाने में रिपोर्ट, लेकिन पहले इमरजेंसी में चेक कर। सही बात है, चलो। जानता था तुम यही। चलो घर चलो, एक कोहराम मचा हुआ है वहां पे। आओ। अनिया, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूं, ज्यादा वेट नहीं करना। घर पे सब बहुत परेशान। पर रहेल का रवैया देखा है? कुछ उखड़ा उखड़ा सा तो लगा मुझे। मुझे लग रहा है कहीं अरूसा ने उनके काम तो नहीं भर दिए। आनिया की बड़ी साइडें ले रही थी वो। बिल्कुल हो सकता है। अरे कानों का बड़ा कच्चा भी तो है रहेल। आपको कैसे पता? लो, इसमें पता चलने की क्या बात है? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारी हर बात पर वो यकीन कैसे कर लेता? आजकल के मर्द बड़े शातिर होते हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। यार बिल्कुल बुद्धू है बुद्धू। मुझे इस वक्त और किसी चीज की टेंशन नहीं हो रही, मुझे सिर्फ रोहिल की टेंशन हो रही है। जो मेरे साथ हुआ है, जो हादसा हुआ है मेरे साथ, उसके बाद तो उसको मेरे घुटनों से लग के रोना चाहिए। वो तो मेरा फोन उठा रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातों से नहीं घबराते बेटा। होगा, किसी काम में मसरूफ होगा, आ जाएगा। ऐसी क्या बात है, खाने दो बजे आ जाओ। दो दौड़ने वाले खा ले मेरे हाथ से। खानी? अरे बच्चा खा ले। नहीं खानी ना अम्मी। कहाँ है आनिया? आनिया बीबी दोपहर से मायके गई है। चलो खस कम जहां पाक। जाओ ना, खड़ी रहोगी तोबा। सब बोल दे इसके आगे, वो खोले आगे। अरे ऐसे कुछ नहीं पता चलता। मजा लेता हूँ। आशा जी, थैंक यू। सारे बड़े हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी तो देख ली है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। ठीक कह रहे हो, लेकिन पापा के बगैर जाना मुनासिब। ठीक है, फिर घर जाके उन्हें पिक कर लेते। हद कर दी रोहेल ने भी। क्या कर दिया रोहेल? अरे भाई, इतना बड़ा हादसा हो गया है, अब मुंतहा को छोड़ के चलता बना। खुदा जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग। मैं भी नोट कर रहा हूं,
कि साहबजादे के तेवर कुछ बिगड़े हुए, क्यों कर रहा है सब? क्या खबर, मैं तो मुंतहा के बारे में सोच रही हूँ। क्या सोचती होगी बेचारी? मैं तो तुम्हारी बहन की बेहिसी के बारे में सोच रहा हूं। आनिया गई है ना घर, तो जाकर मां को अपना कारनामा तो बताया होगा उसने। तुम्हारी बहन से इतना ना हो सका कि टेलीफोन कर देती और दो अफसोस के बोल ही बोल देती। क्या बात कर रहे हैं आप, याद नहीं है आपको जब रोहेल का एक्सीडेंट हुआ था तो शामगिर ने कितना वावेला मचाया था? अच्छी तरह याद है, कैसे भूल सकता हूं। मैं भी अजीब था, अपनी ही बेटी के खिलाफ हो गया, हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। मैंने आपको समझाया भी। खैर छोड़ें अब इन बातों को, मैं सोच रही हूँ कि मुंतहा की वालदा से जाके पूछ लेती हूँ उनको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। हाँ जरूर पूछो, बल्कि उनसे उनसे कहो कुछ दिन रुक जाए, हाँ मुंतहा का दिल लग जाएगा। ठीक कह रहे, जाके उनसे बात करती हूँ। देखो ठीक है। पूछोगी नहीं कैसे ढूंढ लिया तुमने? मुझे याद है इसी जगह पे तुमने एक दफा कहा था, अगर मैं खो जाऊं तो मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं यहीं मिलूंगी। मीरू क्या हुआ बेटा, आनिया का क्या हुआ, मिली कि नहीं? वो अपने ससुराल आ गई है। क्या मतलब, तुम्हारे साथ नहीं आई? हमारे साथ नहीं आई? क्या पहेलियां बुझवा रहे हो, साफ साफ कहो ना क्या हुआ।